समाजवादी पार्टी द्वारा सुरीर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। लोकसभा चुनावों को नजदीक देख राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अपने अपने पार्टियों की नीति से अवगत कराकर लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित करने की जुगत में लगी हुई हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने कस्बा सुरीर में बैठक कर ग्रामीणों को सपा की नीति रीतियों से अवगत कराते हुए अपने साथ जोड़ने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कहा कि बसपा से गठबंधन कर अब की बार समाजवादी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा ने जनता को त्रस्त कर रखा है। भाजपा के शासन में किसान, मजदूर और व्यापारी त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि अब की बार महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। इस दौरान उन्होंने सपा की नीति रीति से लोगों को अवगत भी कराया। वहीं मौजूद रहे सपा कार्यकर्ताओं में विनोद सरता, पूर्व मंत्री तनवीर अहमद, अध्यक्ष शोभित चौधरी, नसीर खान, नन्ने मोहम्मद आदि शामिल रहे। न्याय यात्रा हम उत्तर प्रदेश में 7 जनवरी से 20 जनवरी तक लेकर चलेंगे। आपके जनपद में हमको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। आपके जनपद के लगभग सभी गांव-गांव में जाकर के, कस्बों में जाकर के हम इस अपने मिशन को ले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का डिवाइडेशन रिजर्वेशन का करना चाहती है 27%, और दलितों को भी बांटने का प्रयास कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है और हमारी पार्टी का कहना है कि जितना देश में जिसकी आबादी है उस हिसाब से रिजर्वेशन दे दो, सारा देश का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो 60% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 60% दो, ये हमारी मांग है। और जहां दलित हैं उनको दो, जहां मुस्लिम हैं उनको दो, इस मुद्दे को लेकर हम विदेश में आए हैं। दूसरा, जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, बलात्कार की घटना है, बलात्कार करने के बाद उनको जिंदा जलाया जा रहा है, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं। 3,000 रुपये की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इन्होंने गुजरात में बनाई है। अगर हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है तो 250 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के एक परिवार में भेज दिया जाता तो 280 करोड़ रुपया होता। देश में पिछले 5 वर्ष में लगभग 40 से 50 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की है। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, क्योंकि 1.1 करोड़ लोगों को, देश का नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको बेरोजगारी देने का काम किया है।